हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दिस इज़ नॉट अ ट्यूटोरियल वीडियो एंड अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो, दिस इज़ अ ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार और फैमिली के साथ जा रहे हैं और हमारे साथ और भी फैमिलीज जा रहे हैं। ब्लॉग में हम लोग हरिद्वार कवर करेंगे, फिर और भी टूर्स है। पापा इधर है, हम सब रेडी हैं, जा रहे हैं। हम लोग गाड़ी आ गया, बाहर खड़ा है। फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे सीआर पार्क, दो फैमिली को उठाएंगे, फिर जाएंगे हम लोग नेहरू नगर, अभी दो फैमिली, फिर हम स्टार्ट टू स्टेट हरिद्वार। सुबह 7-8 बजे पहुंच जाएंगे हम लोग। और अभी तो पैकिंग वैकिंग चल रहा है हल्का वल्का। और भाई सब लोग कैमरा के सामने हंस जाते हैं, क्या हाल है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वो जो लाल कलर का बटन है ना उसमें क्लिक कर दो तो आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी, प्लस वो बेल आइकन भी दबा देना। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और टेम्पो ट्रेवल आ गया है। और हम अभी अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 2:28। लॉक कर रहे हैं और हम लोग अभी निकलेंगे। अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट आ रहा है भाई ने, लाइट नीचे जा रहा हूँ अभी, चलते हैं। तो भाई आ जाओ, सब लोग आ जाओ भाई, चलते हैं अभी। हमने जयपुर का भी ब्लॉग बनाया था, वो देखना तो वो भी देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हमारा टेम्पो ड्राइवर है, ड्राइवर अंकल सतीश जी चलाएंगे ये। 16 सीटर का हमने बुक किया क्योंकि काफ़ी लोग जाएंगे हमारे साथ। पीछे का लाइट सही आ रहा है। क्या हाल है मम्मी, कुछ बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बोलो, चलो चलो चलो, काफ़ी सही है। और यहाँ पे टीवी भी है और बाकी सब चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है, म्यूजिक सिस्टम भी है, म्यूजिक सिस्टम है, एसी है। एसी चलता है ना भैया? हाँ चलता है। चलो बढ़िया, सही है। तो हमने अभी स्टार्ट दे दिया है और टाइम कितना हो रहा है बताना भाई। तो यहाँ से करीब 4 घंटे में मास्क निकाल रहा हूँ गाड़ी में, बट सेफ्टी जरूरी है, मास्क जरूरी है, निकल पड़े हैं। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम जाएंगे सिया पार्क से उठाएंगे अंकल को उठाएंगे, फिर वहाँ उसके बाद सिया पार्क के बाद लाजपत नगर जाएंगे, फिर बस फिर डायरेक्ट हम लोग जाएंगे। और हरिद्वार करीब आपका 200 किलोमीटर के ऊपर ही है, 230-240 किलोमीटर, तो 4 घंटे तक लगेगा जाने में, तो 4-5 घंटे फिर बीच में ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और आगे हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, हरिद्वार है उसके बाद और एक ट्रिप है वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा। तो सफर हो गया शुरू और काफी अच्छा वाइब आ रहा है, सब बैठे अभी अभी खाली है, अभी सब आएंगे। हाय करो, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, ब्लॉग बन रहा है। अच्छा, वेरी गुड। क्या हाल है? अरे टुक टुक, क्या आवाज है तू? बड़ा हो गया? हमारा एक दीदी है, इस बार हमारे साथ में ज्वाइन हुआ, वो सीआर पैक रहता है हमारा फ्रेंड के साथ। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं चाय पीने, डॉट में क्यों है। तो अभी हम लोग आए चाय पीने और ये हाईवे है। अरे ये कौन सा हाईवे भाई? ये मेरठ, मेरठ हाईवे, मेरठ तो छोड़ दिया हमने शायद, ये हापुर है, हापुर, हाँ ऐसा कुछ आगे का है। एक बार दिखा दो, हाईवे दिखा दो आप लोग। अभी हम इस ढाबे में आए, शिवा टूरिस्ट ढाबा। चाय नहीं पीना क्या? चाय नहीं पीना। चाय रेडी है, अभी पियेंगे। हाँ सही है सही है, आ जा बैठते हैं, गर्मा गर्म चाय पियेंगे अभी हम लोग। बोलो आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम ही, हम लोग चाय नाश्ता लिया, अभी हम लोग 1 घंटा लगेगा सीधा हरकेपुरी, वो सामने परमात्र आश्रम है, फिर वहाँ पे तो घूम घाम के थोड़ा सा सामने अपना पर्सनल घाट है नहाने के लिए, लंच करके हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। काफ़ी स्पॉट है देखने का, मंदिर, मनसा देवी टेम्पल सब कुछ है। देखने के बाद में फिर हम लोग घूमने जाएंगे और 2-3 जगह में, फिर शाम को आरती देखेंगे। अभी टायर चेंज कर रहे हैं भैया, देखते कितना टाइम लगता है।
तो गाइस हम लोग पहुंच गए, ये हमारे टेम्पो पर खड़ी है, हम लोग पहले ही पहुंच गए थे, तो अभी आप लोग को दिखा देते एक बार। परमात आश्रम है और यहाँ पे हमारा रूम से हमारा ये रूम है, सब सेट कर रहे हैं, ठीक है, वॉशरूम वगैरह। और इसमें यहाँ पे क्या है, किचन है ये, वाह, रूम तो काफी बड़ा है वैसे। तो इसमें जितने भी है जो खुले हुए दरवाजे वो हम हमारे बुक किए हमने, बाकी आगे मिलते हैं ब्लॉग में। तो गाइस अभी हमने ब्रश व्रश सब कर लिया, तो फीलिंग फ्रेश, और अभी इसके बाद जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, चाय फिर से एक बार बनता है तो वो पियेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ मंदिर है तो वो सब घूमेंगे, और फिर नहाना भी है, मतलब गंगा स्नान करना है। तो गाइस हम लोग आश्रम में आ गए थे कितने बजे, 8:30 बजे तक आ गए थे, और हमने स्टार्ट दिया था 2:30 और वहाँ से निकले थे सिया पार्क से हम लोग 3:30, तो 5 घंटे तक, 5 घंटे में हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी इसमें हमने चाय वगैरह पिया था और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग यहीं पर आए। तो अभी तो टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 9:30 का, अभी 10:20 है, तो अभी उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, तो भाई ने बताया अभी। अभी मैं और पापा जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, बाकी उसके बाद मम्मी और भैया जाएंगे। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत वेदर भी ठीक है, उतना गर्मी नहीं है जैसे दिल्ली में, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे कितना होगा बताओ, प्लेजेंट है यहाँ पे 32-33 करीब होगा। हाँ इतना तो होगा, गर्मी उतनी नहीं लग रही थी यहाँ पे। ये आश्रम बहुत अच्छा है, यहाँ पे मतलब कोई भी आकर रह सकता है, टिफिन बेस्ट है, और इसका अपना पर्सनल घाट भी है, नहा सकते हो यहाँ। देखो भाई यहाँ शाम को आरती भी होते हैं यहाँ पे, अभी सामने बहुत सारे शॉप्स है और खाने पीने के भी सामान अच्छा अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। दोस्तों आगे है, देखते कहाँ मिलता है। दोस्तों नहीं मिल रहा है, दोस्तों खाने का इच्छा हो रहा है। हाँ मुझे भी चूजर की थाली मिलता है 120 में यहाँ पे, आप लोग इसका भी लोग उठा सकते हो। साउथ में खाना अच्छा लगता है, साउथ में खाना भी घूमते अभी कहाँ मिलेगा। तो काफ़ी दूर है, चले जा रहे हैं। अच्छा ये रहा, मिल गया फन फूड गुरु जी। यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर है, ये देखते हैं पहले खाना खाएंगे के बाद। अभी हमने खाया था पराठे, ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग लिया है डोसा, एक पापा हमें खाएंगे और भैया मम्मी के लिए, अरे भाई बोल लूँगा, और उनके लिए पैक कर लेंगे। हमारा डोसा आ गया है, अच्छा अच्छा खाएंगे अभी। ठीक है, डोसा हो गया हमारा खाना, अभी हम लोग पैक करवा रहे पराठे और वो, उसके बाद चलते आश्रम में। हम लोग अभी वैष्णो देवी मंदिर है, एक ही लाइन में 8-10 मंदिर है, भारत माता मंदिर, और इसके सामने डोसा का दुकान है, पराठा का दुकान है। सबसे पहले हमने ये खाया था, पराठा खाया था, 20 रुपीज का पराठा है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, सब साथ 2 सब्जी मिलता है और बाकी चार राजमा सब मिलता है। तो हम अभी 3 पराठा पैक करके ले जा रहे हैं, कोई भी आके यहाँ पे आप लोग खाना खा सकते हैं। चल पड़े हम लोग अभी आश्रम की तरफ, शाम को आरती देखेंगे हम लोग। आश्रम पहुँच गए हम लोग, कितने का पता नहीं था, हम तो आगे निकल गए काफी। कौन कौन सा मंदिर है? और स्वतंत्रता मंदिर, बहुत सारे मंदिर है, नाम हम जाके अब बता देंगे वहाँ पे। अभी निकाल रहे हैं सारे, हम लोग 4-5 फैमिली है तो टाइम बहुत लगता है एक साथ में इकट्ठा होके निकलने के लिए। अभी हमने लेफ्ट किया है दोनों भाई, और मैंने सेम टी शर्ट पहना है। तो आ रहे हो, आ रहे हो, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स उससे भी हमारे साथ में आ रही है, भिवाड़ी से आई घूमने के लिए, हेलो ये लोग सब जा रहे हैं घूमने के लिए, और जीजी भी है, सीआर पार्क से आया दीदी, बिल्कुल टोपी पहन के, बिल्कुल बैंकॉक से आया लग रहा है।
टुकटुक भाई हाय करो। अरे हो गया टाइम पे पड़ता है इसलिए शांत हो गया। ये है भारत माता मंदिर। ये है मंदिर। भारत माता मंदिर। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सही है ना? अभी हम लोग लिफ्ट पे जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ का व्यू, विष्णु मंदिर। अभी मम्मी कर रही है ब्लॉगिंग। तो यहाँ पर तो देख लिया हमने, अभी बढ़ते आगे की तरफ। अभी हम लोग जाएंगे इस शिव मंदिर, शिव मंदिर की तरफ। आ जाओ भाई, सारे आ जाओ। शिव मंदिर, शिव मंदिर देखिए। काफी अच्छा बनाया है। मैं लेंस अंदर की तरफ बोलता हूँ, बट ये लेंस जा नहीं रहा अंदर। क्या व्यू है, वाह मजा आ गया। एक ग्रिल दे रखा है ना, इसलिए सही क्लियर नहीं आ रहा। क्या व्यू है, वाह मजा। शक्ति मंदिर, संत मंदिर। साई मंदिर। टुक टुक, क्या कर रहे भाई फोन में? हाँ कैसा लगा वेट करके? कैसा लगा भारत सेवा आश्रम? बढ़िया। भारत माता मंदिर सारे 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 देखे? तुम भी चलते देखा हुआ ना?
अभी हम लोग जा रहे हैं हर की पुरी और ये यहाँ का व्यू है। क्या व्यू है, क्या व्यू है, हवा चल रहा है यहाँ पे। बस हम लोग अभी हल्केपुरी में एंटर हो गया, यहाँ पे नहाएंगे हम आराम से, नहा के फिर हम लोग। पानी साफ है? फिर पानी तो साफ है और पानी अच्छे भरा हुआ है और शाम को फिर हम लोग आरती देखेंगे। क्लॉक टावर है और इसके सामने ही मतलब आरती वगैरह होता है, तो हम लोग शाम को देखेंगे। अभी बस हम लोग भी नहाएंगे थोड़ा। तो गाइस नहाना बहाना हो गया हमारा और अभी हम लोग चल रहे हैं कुछ खाना खाएंगे, लंच करेंगे कुछ और मज़ा आ गया। ये हम लोग ने यहाँ इस तरफ सुना है और एक इस तरफ, दोनों तरफ अभी भी काफ़ी लोग नहा रहे हैं, देख सकते हो। तो आगे का क्या रहता है, और कल हम लोग जाएंगे कहीं और, कल हम लोग जाएंगे कहीं और, वो बताऊंगा मैं कहाँ पे जाएंगे। और ये एक तरह का छोटा टूर है, मिनी टूर है हमारा, हमने ज़्यादा मतलब घर से बस निकलना था तो इसलिए हमने बस प्लान किया था कि चलो निकलते हैं। यहाँ पे होता है आरती, आरती का मेन स्पॉट है यहाँ पे, ये है ना आरती का ना, ये आरती का, ये आरती का मेन स्पॉट है, यहाँ पे आरती होता है। और ये भी देखो क्या अच्छा नजर आ रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार का टूर बहुत अच्छा हुआ, कोरोना का बैरियर जो था वो हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और वी एंजॉय अ लॉट एज अ ग्रुप पीपल, वी आर फ्रॉम दिल्ली। पानी बहुत ठंडा फ्लो भी था, इतना गर्मी का अंदर पानी का ठंडा था और स्पीड बहुत था इसका, जो पानी का जो स्रोत लहर बहुत क्या लहर काफी तेज वो था पानी का लहर। तो अभी हम लोग कुछ खा लेते, काफ़ी वही खाया था, डोसा वगैरह, डोसा और वो पराठे। अभी चलते हैं, चलो चलते हैं। জলের স্রোত না তো আমি অর্ডার কিয়া হ্যাঁ ছোলে ভটুরে ইহা কা ইউনিক স্টাইল মে তোর মিলা হ্যাঁ সফট হ্যাঁ কেসা হ্যাঁ ये दाल है और मटर पनीर और रोटी दिया है, रोटी भी दो दिए और चावल।
इनका भी आएगा, इनका भी आएगा। ये लोग एंग्जियसली वेटिंग फॉर द थाली और फाइनली वी गॉट आवर थाली। आई होप इट विल बी वेरी वेरी टेस्टी। एंजॉय। अभी हम लोग पियेंगे लस्सी, यम्मी यम्मी लस्सी। अभी हम लोग हैं मार्केट की तरफ, तो ये हरिद्वार का मार्केट है, नहीं क्या हर की पूरी ना, तो ऐसा कुछ है। बोलो कुछ। ये कुल्लर का लस्सी है, बहुत फेमस है हरिद्वार का। 40 rupees का ये, ऐसा 50 है, 40 है, ये लोग 40 में दिया है। ये क्वांटिटी तो कम लग रहा है मुझे, अभी टेस्ट करके देखते कैसा है। मेरा आ गया लस्सी, अभी मैं पीऊँ। अच्छा टेस्ट है। बाड़ी बनाओ, बाड़ी। मैं सुनो, हम पहले उत्तर चले गए थे, मैंने बोला कि हमने वहाँ से नहीं, यहाँ से लिया था, फिर हम अच्छा बना है इनका। आपका ये ना शॉप, इनके शॉप में काफी अच्छा, काफी घना घना बनाया इन्होंने। पीछे टीवी का स्क्रीन है, टीवी का स्क्रीन वहाँ पे बड़ा करके दिखा रहा है, बिग स्क्रीन। दादा रास्ता है, बैठ जाओ इधर आओ। ब्रह्म कुंड पर बाबा
तो दोस्तों ये हरिद्वार में एक समोसा हमको मिला है, ये आप देख सकते हो। सो गाइस हम लोग वहाँ से आ रहे थे बट मेरा कैमरा का जो बैटरी है वो हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो कुछ बच्चे मिले थे तो वो लोग कह रहे थे मुझे ले लो व्लॉग में, वो ले रहा था फिर वो बैटरी ख़त्म हो गई। और हमने जो समोसा लिया था उसका भी वीडियो आधा अधूरा रह गया था, वो समोसा भी हम निकाल रहे हैं। ये एक्चुअली एक भड़केपुड़ी हरिद्वार का ये सिस्टम है खाने का। मैं ये कोई एक पेड़ है, पता नहीं पेड़ का नाम क्या, उसका पत्ता है, तो पत्ता से वो लोग कटोरी बनाता है, खाया था बड़ा समोसा। देखो ऐसा समोसा टूट गया है ना, 30 रुपीज़ में आपको ये सब मिलता है, तो भाई टेस्ट करके बताओ। तोड़ के लिया मैंने, मैं देखता हूँ कैसा टेस्ट है, बताओ क्या कैसा टेस्ट है, अलग सा है मतलब। अभी मैं भी टेस्ट करता हूँ कैसा है ये। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, इस रूम में हमें कूलर भी मिलता है, तो काफ़ी अच्छा ठंडा कर रहा है ये कूलर यहाँ पे है, सेंट्रल कूलर आई थिंक ये कुछ, तो यहाँ से अच्छा कूलिंग दे रहा है, काफ़ी अच्छा है मतलब, अच्छा आश्रम है ये, यहाँ पे कितना साफ़ सुथरा भी है काफ़ी, गंदगी।